हेलो सी एस स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह, स्वागत है आपका मेरे चैनल एफ एल एम के अंदर। गाइज, आप आई होप आप सबके पेपर अच्छे जा रहे होंगे जो अभी तक चल रहे हैं, और अगर नहीं भी गए हैं तो टेंशन नहीं लेनी है, जो हो गया उसको भूल जाओ और आगे के पेपर की तैयारी करते रहो। पहले वाला सोच के आगे के पेपर ख़राब मत कर देना। मैं लिख के दे रहा हूँ, जयो हमारे को कई बार लगता है कि पेपर बेकार गया है, हमारे उसमें नंबर ज़्यादा आ रहे होते हैं, और ऐसा ना हो कि आपके जो गंद गए हैं और जो गंदे पेपर गए हैं और जो गलत गए हैं, और उसके चक्कर में ऐसा ना हो कि आप उसको छोड़ दो और आगे के देने ना जाओ, और पता चले जब रिजल्ट आ रहा था उस पेपर के नंबर मोर देन 50 थे, तो चुभेगा कि यार आगे के दिया होता तो मैं पास हो जाता। तो आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो कंपनी लॉ के टिप्स की करने जा रहा हूँ। कंपनी लॉ के पेपर के लिए कुछ स्पेशल टिप्स देने जा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारे सी एस एग्जीक्यूटिव का बच्चा हो या सी एस फाइनल का बच्चा हो, सी एस फाइनल ओल्ड सिलेबस में एडवांस कंपनी लॉ है, एंड सी एस एग्जीक्यूटिव में न्यू सिलेबस एज वेल एज ओल्ड सिलेबस दोनों में कंपनी लॉ है। हालांकि ओल्ड सिलेबस का तो हो गया, अब न्यू सिलेबस वालों का है, तो मैं उसके हिसाब से बात करूँ। अगर मैं बात करूँ आपसे कंपनी लॉ की, तो सर एक चीज़ याद रखना, कंपनी लॉ के पेपर के लिए पहली बात ये वाली जो मैं बात बता रही हूँ तो सारे पेपरों के लिए कॉमन है, कि आपको हर आंसर को अटेम्प्ट करके आना है, भले ही आता हो या ना आता हो। मैं एक चीज़ बताता हूँ तुम्हारे को, तुम लोग क्या करते हो, हर आंसर में 5-5 नंबर का क्वेश्चन अगर सपोज है, हर एक पेपर में 20-20 नंबर का छोड़ के आ रहे हो, मान लेते हैं सर आप एक मान के चलो कि एक ग्रुप में अगर आपने 20-20 का छोड़ा हर पेपर में, तो आपने एक ग्रुप में 80 नंबर का छोड़ दिया, तो आपकी जो ओवरऑल मार्किंग होनी थी तो वो जो 400 में से होनी चाहिए थी वो 400 में से नहीं होगी, वो 320 में से होगी। तो पहले तो ये गलती नहीं करनी, 100 का अटेम्प्ट करना है। अगर आपको आता हुआ अच्छा हुआ ना, तो कई बार क्या होता है जो आपको नहीं भी आता होता ना, टीचर जल्दीबाजी में उसमें नंबर दे देता है। अदरवाइज अटेम्प्ट करने के मैंने कई बार ऐसा भी देखा है कि एक एक दो दो नंबर मिल जाते हैं, तो मैं मान के चलता हूँ वर्स्ट टू वर्स्ट एक एक नंबर भी मिलता है ना, तो बेटा अगर चार क्वेश्चन चार नंबर एक पेपर में बढ़ रहे हैं, चार नंबर एक पेपर में बढ़ रहे हैं, तो चार पेपरों में अगर छोड़ के आते हैं, तो चार पेपरों में अगर 20-20 नंबर का छोड़ के आते हैं, तो सब में चार चार भी अगर मिल रहे हो तो 16 नंबर बढ़ते हैं। और ओवरऑल में सीएस के बच्चे को 16 नंबर की इंपॉर्टेंस मेरे को शायद समझाने की जरूरत है नहीं कि कितनी होती है। तो पेपर अटेम्प्ट 100 करके आना, और मैं लिख के दे रहा हूँ कंप्लीट का पेपर लेंदी होता है, तो बच्चा गलती करता है और वो छोड़ के आता है और आखिरी में बोल रहा था सर लेंदी था मेरे से हुआ नहीं। एक चीज़ याद रखना, हाथ तेज चलाना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ पेपर लेंदी होगा, अभी से ही बोल रहा हूँ, और तेज चलाना और पूरा सोका करके आना, वो तुम्हारी बुजदिली है अगर तुम सोका नहीं करके आते। और दूसरी चीज़, अगर तुम्हारे को लगता है कि आखिरी में टाइम कम है और आपको ये लगता है कि आखिरी में टाइम कम है और मेरे पास क्वेश्चन बचे हुए चार, तो किसी और थोड़ा बहुत सबके बारे में पता है तो सारों को लिखो, किसी एक को अच्छा लिखने से। अगर आखिरी में एक को अच्छा लिख भी दोगे तो 5 में 3 मिल जाएंगे, 4 मिल जाएंंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं मिलेंगे। थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पता है, सबको लिख दिया, सब में दो 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 भी मिल गए तो 8 मिलेंगे, तो डबल नंबर होंगे। तो अटैम्प्ट सबको करना, अगर कम आता हो उतने टाइम, अगर टाइम कम बचा है तो किसी एक को सजाने मत बैठ जाना कि उसमें से एक ज़्यादा आता है, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख के चारों को अटैम्प्ट करना। ये करने के बाद सेक्शन की बात आती है, मैं अभी बहुत सारे बच्चों की मैंने शीट एनालिसिस वाली अपलोड करी थी, सेक्शन अगर एग्जैक्ट आता हो तो ही अटेम्प्ट करना, वरना मत करना। वरना मेरी कंप्लीट लॉ की हाउ टू अटेम्प्ट 70 मार्क्स इन कंप्लीट लॉ वाली एक वीडियो है, आप लिखोगे हाउ टू अटेम्प्ट 70 मार्क्स इन कंप्लीट, 70 प्लस मार्क्स इन कंप्लीट लॉ, तो उसमें मेरी बाय सी एस रमनदीप सिंह लिख देना, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, वो वाली देख के जाना, उसमें कंप्लीट लॉ के टिप्स हैं कि उसमें और कैसे करना है। अगर सेक्शन याद नहीं है तो आप सेक्शन कोट मत करना, एज पर प्रिस्क्राइब सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट या एज पर रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट करके लिखाना। तीसरी बात, जो मैंने पहले भी वीडियो बताई थी, हर आंसर को फ्रेश पेज से स्टार्ट करना और कोशिश करना, जैसे एक लेंथ के हिसाब से कि कंपनी लॉ में ज़्यादा पेलने की कोशिश मत करना। एक 5 नंबर का क्वेश्चन है तो एक फ्रंट पेज पूरा, नेक्स्ट पेज पे 2 या 3 लाइन, या हो सकता है फ्रंट पेज पे पूरा खत्म कर देना। सेम अगर इसके हिसाब से लेंथ जोड़ लो, 4 का है तो फ्रंट पेज से थोड़ा सा कम या फ्रंट पेज लास्ट, और अगर 8 का है तो पहला वाला पेज पूरा अगले वाले पेज के एंड से थोड़ा थोड़ा पहले पहले खत्म कर देना। इससे ज़्यादा लेंथ लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, किसी की जेन्युइनली लेंथ बनती हो तो फिर लिख देना, जैसे कंपनी लॉ का इन कंपनी इन कॉरपोरेशन का प्रोसीजर आ जाए या कोई और प्रोसीजर आ जाए, उसमें ऑटोमेटिक 2 या 3 पेज की लेंथ चली जाती है, तो लिख देना। ये लिखने के अलावा केस स्टडीज़ का भी सेम मैं बोलूँगा, अगर केस स्टडीज़ एग्जैक्ट याद हैं तो लिखना, वरना अगर केस स्टडी एग्जैक्ट याद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उस केस में इन वन ऑफ द डिसाइडेड केसेस इट वाज हेल्ड दैट, फिर उसके बाद आगे आपके जो केस के फैक्ट्स है वो स्टार्ट कर देना। और मैंने पहले भी बोला था, किसी भी आंसर को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। सबसे पहले फैक्ट्स, फैक्ट्स मींस जो आपके क्वेश्चन में लिखा होगा। सपोज एक पेपर में बोलता है कि एक्स वाई जेड एक कंपनी है, उसके ऊपर किसी ने बॉम्ब फेंक दिया, उसके 2 शेयर होल्डर थे
और वो दोनों की डेथ हो गई, क्या बताओ कंपनी खत्म हो गई। जैसे आपको पता है परपेचुअल सक्सेशन का केस है, तो एक्सपायर्ड कंपनी सो एंड सो, जब आखिरी में पूछा ना बताओ ये कंपनी खत्म हुई या नहीं, वो वाली लाइन छोड़ के उसके पहले वाले सारे क्वेश्चन वाली ही बात को उतार देना फैक्ट्स में। देन रेलेवेंट प्रोविजन कि ये चीज़ कहाँ से पूछी गई है, तो ये चीज़ तो जैसे यहाँ पे परपेचुअल सक्सेशन के कंसेप्ट से पूछी गई है, तो वहाँ पे वो लिख दोगे। फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ परपेचुअल सक्सेशन कहता क्या है कंसेप्ट, देन कंक्लूजन कि ये कंपनी खत्म होगी या नहीं होगी, ये लिखना है। और कोशिश करना डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बनाना जिन तीन चीज़ों की बना सको, डायग्राम्स की फॉर्म में मैंने पहले भी बताया था, जहाँ जहाँ बना सको जैसे बिजनेस स्टडीज में बनाया करते थे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जो जो चीज़ें आपको पता है कि आंसर में करेक्ट है, जैसे लिमिट्स हो गई, सेक्शन हो गए, बिल्कुल पता है करेक्ट है, तो नीचे अंडरलाइन कर देना, उसको बोल्ड कर देना, ताकि सामने वाले पे ज़्यादा फोकस जाए उसका। और नेक्स्ट मैं अगर बात करूँ तो एक चीज़ जो मैंने बताया, सेक्शन गलत कोट नहीं करना है बिल्कुल भी किसी भी हालात में। सर गलत कोट करोगे तो जीरो मिलेगा, अगर नहीं आता एज पर प्रिस्क्राइब सेक्शन लिखोगे तो 5 में 3 मिल जाएंगे, 4 भी मिल जाएंगे अगर आंसर की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हुई, भले सेक्शन याद नहीं है, लेकिन गलत कोट नहीं करना। ये ख़त्म होने के बाद एक चीज़ जो मैंने आपको हमेशा याद रखनी है, कंपनी लॉ के अंदर प्रैक्टिकली क्या होता है, ज़्यादातर लिंकिंग होती है बहुत, तो कई बार ना आंसर को केस स्टडी वाले को एक बार दो बार दोबारा पढ़ लेना, कई बार वो बोलता है एवरी लिस्टेड कंपनी, जैसे अभी पीछे क्वेश्चन आया हुआ था मैं उसके अंदर देख रहा था कि उन्होंने बोला कि एक कंपनी की जो वो है क्या कहते हैं पेड अप शेयर कैपिटल वो 100 करोड़ से भी ऊपर है, अब मगर उन्होंने बाद में बोल दिया वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। अब हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में एक्सपायर लगता ही नहीं, बंदा पेड अप शेयर कैपिटल देखेगा तो वो सोचेगा यार लग रही है, तो अब ये भी चीज़ें देखनी है कि कंफ्यूज ना कर रहा हो, एक्सपायर्ड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी करके उसने लिखा फिर क्वेश्चन बना दिया, तो ये देख लेना उस पर वो चीज़ें लगती हैं या नहीं लगती। कई बार ऐसा होता है लिमिट टिकती है, जैसे अभी मेरे क्वेश्चन आया था मैंने अपने बच्चों को क्लास के टेस्ट में डाला था कि ABC एक लिमिटेड एक कंपनी है, उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 2.5 करोड़ है, उसका जो टर्नओवर है वो 3 करोड़ हो गया है, तो बताओ ये स्मॉल कंपनी के दायरे से बाहर हो गई या नहीं। बच्चों ने लिखा हो गई, फिर मैंने नीचे लिखा कि अगर सपोज उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 लाख हो जाए, टर्नओवर उसका 1 करोड़ हो जाए, अभी स्मॉल कंपनी है या नहीं, बच्चों ने कहा है। सर वो दोनों ही केस में नहीं थी, क्योंकि मैंने स्टार्ट कैसे करा था ABC लिमिटेड, एंड ABC लिमिटेड मींस इट इज़ अ पब्लिक कंपनी, एंड अ पब्लिक कंपनी कैन नेवर बी अ स्मॉल कंपनी एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 85। आपको पता है स्मॉल कंपनी कैन ऑलवेज बी अ प्राइवेट कंपनी, तो बच्चे ने सिर्फ लिमिट और टर्नओवर तो देख लिया, ये देखा ही नहीं कि वो प्राइवेट है या पब्लिक है, बस फटाफट लिमिट देखी नहीं, टर्नओवर देखा नहीं, आंसर लिखना शुरू कर दिया और वो जीरो हो गया। मैंने हर बच्चे को जीरो दिया क्लास के अंदर, एक या दो बच्चों का आंसर ठीक था, तो ऐसा होता है प्रैक्टिकली, तुम्हारी प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक की जाती है। तो छोटे छोटे टिप्स थे जो मेरे को बताए, आज मेरे को लगा आई होप ये यूजफुल रहे होंगे, क्योंकि जो गलतियाँ हम कर जाते थे या आप लोग जल्दीबाजी में ना कर जाओ, इसलिए पहले क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी लॉ को वो जितना आसान दिखेगा वो उतना होगा नहीं। बाकी आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, एंड जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।